हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 11 का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में जैसा आपने भाई देखा कि सीता जी भी भाई बड़ी हो गई हैं, तो ऊपर से भाई इधर आएँ तो भाई शिक्षा पूर्ण होने को है, और चारों भाई जब वापस जाएंगे तो काफ़ी एक्साइटमेंट होगी खासकर माँ बाप के लिए। लेकिन लास्ट में वो भाई जब मारा था से भाई वो ऊपर निकल आए, देखते हैं अब हैं कौन भाई, करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। जो हम नहीं देख सके, अच्छा वो नंदिनी ने देखा और गुरुकुल की सुरक्षा के लिए दैत्यों को भगा दिया। परंतु गुरुदेव, दैत्य यहाँ गुरुकुल में क्यों आए थे? वो दैत्य रावण के गुप्तचर होंगे जो यहाँ ये देखने आए होंगे कहीं हम इस आश्रम में आणविक अस्त्रों की प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ तो नहीं कर रहे हैं। गुरु माता, नंदिनी को कैसे पता चला कि रावण के गुप्तचर वृक्षवन के गुरुकुल में खड़े? क्योंकि नंदिनी कामधेनु की पुत्री है। कामधेनु कौन? कामधेनु जो हर इच्छा की पूर्ति करती है। एक समय की बात है, देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से कई रत्न समुद्र से निकले, उन्हीं में से एक रत्न था कामधेनु। एक बार गादी पुत्र महान योद्धा और सम्राट विश्वामित्र अपनी सेना के साथ आए थे। सम्राट विश्वामित्र? परंतु गुरु माता, विश्वामित्र तो महान तपस्वी हैं, ब्रह्म ऋषि हैं। पहले विश्वामित्र भी क्षत्रिय राजा थे, ये ब्रह्मर्षि बनने के पहले की बात है। वो रणभूमि से विजयी होकर अपनी सेना के साथ लौट रहे थे कि उन्हें आपके गुरुदेव का आश्रम दिखाई दिया। गाधी पुत्र महाराज विश्वामित्र का वशिष्ठ के आश्रम में स्वागत है। राजन, मेरा आपसे अनुग्रह है कि आप अपनी सेना के साथ मेरे इस आश्रम में विश्राम करें। क्यों? आपके आश्रम में मेरे रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? और फिर मेरी सेना, क्या वो खुले आकाश के नीचे पृथ्वी पर विश्राम करेगी? महर्षि राजा महलों में रहते हैं, कुटिया में नहीं। राजन, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपको एक राजा की तरह ही रखूंगा। नंदिनी, ये हमारा भाग्य ही नहीं, हमारा सौभाग्य है। जो महाराज विश्वामित्र हमारे आश्रम में रुककर हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें उनका, उनकी सेना का रहने का, खाने पीने का यथोचित प्रबंध करना है, समझी? महाराज विश्वामित्र और उनकी सेना ने आश्रम में विश्राम किया। नंदिनी के बनाए दिव्य भोजन से वो तृप्त भी हुए, परंतु क्या गुरु माता? सूर्योदय होते ही जब वो अपनी सेना के साथ जाने के लिए तैयार हुए,
मैं नंदिनी को अपनी नगरी ले जा रहा हूँ। कौन सा त्रिक? उसके लिए तुम्हें 1 कोटी गाय और सोना चांदी हीरे जवाहरात जो चाहे ले लो। नंदिनी अब हमारी है। नो। मैं उसे अपनी नगरी ले जाऊंगा। श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ, मुझसे कोई अपराध हुआ है जो आपने मुझे त्याग दिया और मुझे राजा विश्वामित्र को दे रहे हैं? नंदिनी, ना तो मैंने तुम्हारा त्याग किया है और ना ही तुमसे कोई अपराध हुआ है। महाराज विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं। तो आप अपने ब्राह्मण बल से उन्हें रोकते क्यों नहीं? नंदिनी, राजा विश्वामित्र इस समय मेरे अतिथि हैं, अतिथि देवो भावा, इसलिए मैं विवश हूँ। मैं तो विवश नहीं हूँ ना, मैं उन्हें रोक सकती हूँ ना महर्षि। नंदिनी ने अपनी रक्षा का मुनिवर से आदेश जो पाया, लोभी को चक्री दंभी राजा पे क्रोधित होकर चक्र चलाया। विश्वामित्र ने प्रत्युत्तर में गौ पर घातक शस्त्र उठाया। लज्जित होके पराजित होके अभिमानी ने शीश झुकाया। लज्जित होके एक राजा ने सबके आगे शीश झुकाया। जब देखा ना कि भैया थे बड़ो बड़ो की आवाज निकल जाती। या महाराज, पुले पुले पाऊंगा महाराज। आज मुझे ज्ञात हुआ कि ब्रह्म तेज क्षत्र तेज से अधिक श्रेष्ठ है। ठीक बलम क्षत्रिय बलम, धर्म तेजो बलम बलम, धिक्कार है हमें हमारे क्षत्र तेज को। ब्रह्म तेज ही सबसे शक्तिशाली है। कल्याण हो। की फायदा हो लो। परंतु गुरु माता, राजा विश्वामित्र ऋषि कब और कैसे बने? मैं बताता हूं राम। राजा विश्वामित्र जब ब्रह्म तेज से प्रभावित हुए तो उन्होंने निश्चय किया कि वो तप अर्जित करेंगे। फिर उन्होंने घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की राम कि उन्होंने गायत्री सिद्ध कर लिया। फिर वो त्रिभुवन में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने गायत्री सिद्ध करके ये प्रमाणित कर दिया कि यदि मनुष्य चाहे तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। गुरुदेव, गुरुदेव, कंबोज नगरी के राजा आदित्यनाथ नंदिनी को बलपूर्वक ले जा रहे हैं। राजा आदित्यनाथ, आप नंदिनी को आश्रम से इस प्रकार बलपूर्वक नहीं ले जा सकते। नंदिनी जैसा रत्न आश्रम में नहीं महर्षि, राजभवन में होना चाहिए। मैं नंदिनी को ले जा रहा हूँ।
सैनिकों, ले जाओ नंदिनी को। शिष्य रोको इसे, रोको। वहीं रुक जाओ, वरना अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। आप इनके बल पर मुझे रोकना चाहते थे? बंद कर दीजिए अब ये गुरुकुल। हे राजन, आप हमारे गुरुदेव का अपमान कर रहे हैं। जो हम सहन नहीं करेंगे कभी भी। नंदिनी को छोड़ दीजिए। तो क्या धर्म की शिक्षा ग्रहण करने वाले अधर्म करेंगे मुझसे? एक साथ चार युद्ध करेंगे? एक अधर्मी के मुख से धर्म की बातें। आए राम भैया के आदेश का पालन करो राजन, नंदिनी को छोड़कर चले जाओ। मरना ही चाहते हो तो रोक लो मुझे। चलो सैनिकों। अगला तीर छाती। कोई कितना भी अधर्म करे परंतु हम धर्म का साथ देंगे। मैं आपसे युद्ध करूंगा राजन। हाँ जाओ राम, राम तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। परीक्षा गुरुदेव? टेस्ट था। हाँ, अपने आप को राजा आदित्यनाथ कहने वाला मेरा ही शिष्य है। और वो नंदिनी को बलपूर्वक नहीं ले जा रहा था, इसलिए वो तो सोच समझ कर बनाए गए नाटक में भूमिका निभा रहा था। युद्ध केवल शस्त्र और अस्त्र से नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है योद्धा के मनोबल से, साहस से, विजय पाने की तीव्र इच्छा से। अन्याय, अनाचार, अत्याचार को मिटाने की प्रतिज्ञा से, अधर्म और अधर्मी का दमन करने की आंतरिक प्रेरणा से। राम, ये सब गुण तुम में है, मगरमच्छ हो या नंदिनी को भगाकर ले जाने वाली घटना, तुम मेरी हर परीक्षा में सफल हुए हो। गए सफल, कल्याण हो। कल्याण हो। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा अब तो दे रही है। हाँ, क्योंकि देखें कि स्टार में तो वो भाई एक महाराज साहब आए थे भाई। यार महाराज ने दो मूर्ख आए थे, वो रावण के भाई एक गुप्तचर छुपे हुए किधर थे वो? देखे ना, मूर्ख दरख्त के अंदर ही चले गए थे यार, मूर्खता करने से नहीं पास आते। बाद हनुमान जी उड़ाएंगे भाई, देखेंगे। हाँ भाई, आप देखें इस चीज को, जब आगे देखेंगे तो और भाई मजा आएगा। लेकिन ये कि आप अगर भाई इधर देखें तो अब जब महाराज आए भाई नंदिनी, यार वो देखो एक उस मूर्ख को देख लो, उन्होंने मतलब रहने के लिए एक जो है ना वो पूरा महल दिया, उनकी सेना के लिए अलहदा खेमे लगा के दिए। रात वो रहा है लेकिन साथ वो बदल गया कि भाई ये मुझे चाहिए। अच्छी बात है, आप देखो ना इतनी खिदमत भी की, भोजन भी आपको दिया, आप सुकून से रह भी एक महल बना कर, महल भी बना कर दिया। यार नंदिनी जी देखो ना, एक मतलब इशारे ही दिया, महल भी बन गया हर चीज भाई। लेकिन मुझे भाई मेरा तो जेहन उन मूर्खों पर अड़ा हुआ है जो दरख्त के बीच में छुपे हुए थे। यार जय शिकुनी ने भी छोड़े थे एकदम, वो भी पकड़े गए थे यार। वो तो एक
मतलब के जीते जागते थे ना पुरुष, लेकिन ये मूर्ख दरख्त के अंदर छुपे हुए थे। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ भाई जी लास्ट टेस्ट हुआ है। हाँ। राम जी का और बाकी भाइयों का, लक्ष्मण जी और बाकी दो दो हैं, और उसमें जो है ना वो सफलता हो गए हैं भाई, हैं सफल हो गए हैं। तो भाई जैसे मतलब वो नंदिनी को लेके जाने लगे थे आगे जो है ना वो मतलब एक अच्छे तरीके से उसका मुकुट उतारा, उसका जो है ना वो तोड़ा गया। हाँ, भाई शस्त्र ही तोड़ दिया भाई और मुकुट नीचे गिर गया। लेकिन बहुत पावर है भाई श्री राम जी में, लेकिन ये कि अब आगे आगे चलते जाएंगे तो देखते जाएंगे भाई अब आगे क्या। हाँ बिल्कुल भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।